सर, हम कब बीच पहुंचेंगे? गट्टू, मुझे पता है तुम सब बहुत एक्साइटेड हो, पर थोड़ा और वेट करो, हम बीच पहुंच जाएंगे। हाँ, वेट करने के बाद बीच देखने का मजा ही अलग है। बीच ऐसी जगह है जहाँ जमीन पानी से मिल जाता है, हवाएं गाना गाती हैं और सूरज वो भी पानी में डुबकी लगाता है। और बीच पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पानी में खड़े हो सकते हैं, सैंड कैसल बना सकते हैं, सी शेल्स का नेकलेस बना सकते हैं। वाओ! हाँ तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम बीच पे और मजे कर सकते हैं। गुड्डी की बात सुनकर सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। ओ बताओ बताओ गुड्डी, क्या आइडिया आया है तुम्हें? हाँ गुड्डी, जल्दी से बताओ ना। हम सब एक काम करेंगे, पहले हम दो बड़े से सैंड कैसल बनाएंगे और फिर शेल्स का नेकलेस बनाकर चिंकी को पहना देंगे जिससे वो रानी बन जाएगी। उसके बाद एक और नेकलेस बनाएंगे और उसे गट्टू को पहना देंगे और वो बन जाएगा दूसरे सैंड कैसल का राजा। फिर क्या करेंगे गुड्डी राजा रानी बनने के बाद? गुड्डी खुद सोच में पड़ जाती है, तभी हरी बोल पड़ता है। फिर हम दोनों राजा रानी में एक बैटल करवाएंगे और देखेंगे कि ज्यादा पावरफुल कौन है। वाह हरी, क्या आइडिया है। ये बात करके सब बच्चे आपस में ही हंस देते हैं। चलो बच्चों, हम पहुंच गए। ये! पूरी दुनिया का कचरा इसी बीच पर आ गया क्या? इसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। अब भला इस कचरे में हम अपना सैंड कैसल कैसे बनाएंगे और कैसे खेलेंगे राजा रानी वाला गेम? थोड़ा गंदा तो है, पर हम कचरे से दूर रहकर मजे करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गट्टू। बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना, और पानी में जाना है तो मेरे साथ जाना। हाँ सर। ओहो, ची 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 ची। ओशन डे बिना ओशन के कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? पर ये तो सी है, सी ही तो ओशन बनती है। ये सी कम और कचरे का ढेर ज्यादा है, या तो हम यहाँ खेल सकते हैं या तो इसे साफ कर सकते हैं। अरे यार, मुझे बीच पर खेलना है, अभी घर जाऊंगा तो मम्मी भी बोलेगी बंटी अपना कमरा साफ करो। साफ तो करना पड़ेगा, मूवीज में ऐसे ही गंदे पानी की वजह से एनिमल्स डेंजर बन जाते हैं। वो रहा डेंजर एनिमल। हाँ वही डेंजर एनिमल है। डेंजर एनिमल मूवी में डेंजर एनिमल और क्या करते हैं? वो इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ सिर्फ कचरा होगा, हम भी ढेर में फंसे होंगे। कचरे का ढेर? वो हमारे लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। रुको, अरे ये तो टर्टल है, ये हम पर हमला नहीं कर रहा, इसे तो हमारी मदद चाहिए थी। हाँ, कितना क्यूट है। ये बेचारा इस बीच के सारे कचरे में फंस गया होगा। इसका मतलब दूसरे जानवर भी ऐसे ही फंस जाते होंगे ना? ये तो कितनी गलत बात है ना, हमें अपने मजे के लिए बीच में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। सोचो अगर हम अपने घर में कचरा फैलाएं तो हमें मम्मी से कितनी डांट पड़ेगी। वैसे ही ये बीच और सी भी तो इन प्यारे एनिमल्स का घर है ना? दोस्तों, हमें झगड़ा बंद करना होगा और इस बीच को साफ करना होगा। ये हमारा कचरा है और उससे इन बेचारे जानवरों को तकलीफ हो रही है, ये तो गलत है। Thank you.
अब ये वैसे ही दिख रहा है जैसे हरी ने बताया था। पर हम चिंकी की बताई चीजें नहीं कर पाए। तो ओशन डे पर कर लेना, हम वापस आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।